With the yearly cycle mapped out, settlements and agriculture could develop. Hi friends, good morning. Welcome back to my new blog. कैसे हैं आप लोग सब भाई? Hope कि आप लोग सब अच्छे ही होंगे. तो friends, आज है day one का trip है. आज हमने हैदराबाद में जा रहे देखने के लिए बहुत अच्छा अच्छा प्लेस. तो guys, miss मत करिएगा. वीडियो को एंड तक बने रहिएगा. तो चलिए friends, without delay start करते हैं आज का ब्लॉग. सब रेडी हो गए? हाँ, और फ्रेंड्स अरे यहाँ पे पीहू मामा भी रेडी हो गए और हमारा सेम बोतल है. अरे सेम बोतल, दोनों बहन का सेम बोतल है. हाँ. पिंक हाँ. अरे वाह, तो आज तुम दोनों कहाँ घूमने जाओगे? का खा रही है और मेरा बोतल में पानी है. हाँ, और ये हम चॉकलेट खा रहे. चॉकलेट नहीं सुनना दीदी. तो चलो दोनों बहन आज कहाँ घूमने जाओगे? मुझे ट्रैम्पोलिन में जाना है. ट्रैम्पोलिन में जाना है, ओके. चलो बैग पकड़ो अपना अपना. चलो चलो, रेडी हो गए सब लोग? अरे मम्मी बोलो, आपका फेवरेट वेजिटेबल क्या है? माय फेवरेट वेजिटेबल इज कैबेज. कैबेज? यस. सुनिया दीदी, तुम्हारा कौन सा फेवरेट वेजिटेबल है? क्यूकम्बर. कुकुम्बर? हाँ, मेरा फेवरेट भी है. ट्रैम्पोलिन जाना है. ट्रैम्पोलिन जाना है, तो चलो चलते हैं. अभी ऑटो बुलाएंगे, उसमें बैठ के जाएंगे, है ना व्यू? हाँ. कौन सा ऑटो? गाइस, हमने अभी टैक्सी को बुलाया है, वो दो मिनट में आके पहुंच जाएगा. इसलिए हमने अभी पिंक की पार्किंग में खड़े हुए हैं. ऑटो? अच्छा, तो गाइस दो मिनट में आ जाएगा, तो हम उसके बाद चलते हैं. सो गाइस, पहली बार हमने बच्चों को लेके ऑटो में जा रही है टुवर्ड्स मेट्रो स्टेशन. बच्चों ऑटो ऑटो में बैठना तुमको मजा आ रहा है क्या? हाँ. तो देखिए दोनों बहन कैसे बैठे हुए हैं इधर, एक दूसरे को बिना कोई नहीं रुक सकते. आज पीहू का स्कूल भी ऐसे कुछ छुट्टी कर दी है ना पीहू? ठीक है, चलो. गाइस, इसी ऑटो में आके हमने यहाँ पे पहुँचे हैं. हम अभी जा रहे हैं मेट्रो स्टेशन की ओर. तो चलिए फ्रेंड्स, देखते हैं. आज पहली बार मैं मेट्रो में बैठने जा रही हूँ, क्योंकि हमारा पुणे में अभी तक मेट्रो बना ही नहीं. तो आज हैदराबाद में पहली बार मैंने मेट्रो में एक्सपीरियंस लूँगी, मेट्रो का एक्सपीरियंस कैसे रहेगा. ये है मियांपुर मेट्रो स्टेशन. टिकट बुक करेंगे अभी जाने के लिए बिरला टेम्पल. टिकट काउंटर पर टिकट बनवा देंगे. सो यहाँ पे पापा गए, पापा जी गए हैं टिकट बनवाने के लिए. तो फ्रेंड्स, यहाँ पे थोड़ी देर के लिए वेट करेंगे. टिकट जब बन जाएगा फिर हम जाके मेट्रो में बैठेंगे. दरवाजे बाईं तरफ खुलेंगे. हाँ, हम कितना ऊपर है. कितने बार बोलूंगी हम कितना ऊपर है चाची, ये बहुत बार बोलेंगे हम ऊपर है. सो गाइस, आज पहली बार मैंने मेट्रो ट्रेन में बैठ के आई हूँ. बहुत मजा आया मेट्रो में बैठ के आने. तो गाइस, ये था हैदराबाद का मेट्रो वाला एक्सपीरियंस.
यहाँ पे ना सिक्योरिटी इशू है, कैमरा अलाउ नहीं है। कोई बोल रही थी कि सिक्योरिटी कि कैमरा अलाउ नहीं है, इसलिए मेट्रो का रिकॉर्ड नहीं कर पाई। तो चलिए फ्रेंड्स आगे बढ़ते हैं, देखते हैं आगे क्या दे। चलो बच्चों आओ, चलो सुनो, मिर्ची बहुत टेस्टी है, खाओगे थोड़ा? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं तो नहीं खाने वाली। ये है आंध्रा समोसा। हमने मेट्रो स्टेशन से बाहर निकले, निकलने के बाद यहाँ पे आ गए थोड़ा समोसा खाने के लिए। तो बहुत प्यास लग रही है इसलिए हमने पी लिए नींबू पानी। सो गाइस फाइनली आके हमने अभी पहुँच गए हैं साइंस बिरला फर्स्ट स्पेस म्यूजियम। तो गाइस बहुत इंटरेस्टिंग प्लेस है, तो देखेंगे आज म्यूजियम जो कि हैदराबाद में है। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं वो म्यूजियम की ओर। ये है बीएम बिरला साइंस म्यूजियम। गाइस फाइनली आके पहुंच गए हम म्यूजियम का अंदर। अभी हमने देख रहे हैं ये सोलर सिस्टम। तो गाइस अभी हमने बहुत सारे इंटरेस्टिंग चीजें देख के आए हैं, ऐसे ही और 2 फ्लोर है। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं वो। ये एंटी ग्रेविटी कोन। सो गाइस ये है वर्ल्ड क्लॉक। चलिए देखते हैं वर्ल्ड क्लॉक में हमारे इंडिया का टाइमिंग क्या है। यहाँ पे दिख रहा है इंडिया का टाइमिंग है 1:17। ये है ह्यूमन स्केलेटन। ये ह्यूमन ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम। ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। ह्यूमन ऑर्गन्स हार्ट लिवर किडनी। डीले साउंड, यहाँ पे दो पाइप दिया है, यहाँ पे एक साइड में एक आदमी बोलेंगे और यहाँ पे सुनाई देगा। मिनी तुम कुछ बोलो, सुन सुनेगी। Thank you.
ये है बोर्ड मैप, उसका अंदर हमको ढूंढना है हैदराबाद सिटी। तो गाइस ये है यहाँ पे रेप्लिका दिखा गया है अंटार्कटिका डायोरामा। तो चलिए फ्रेंड्स देखते हैं, इंटरेस्टिंग है बहुत। ये देखिए अंटार्कटिका डायोरामा, बहुत सारे पेंगुइन है। सो गाइस यहाँ पे जो साइंस म्यूजियम था हमने पूरा घूम लिया है, बहुत इंटरेस्टिंग था। बहुत सारे सैटेलाइट्स थे और स्पेस रिलेटेड चीज़ें थे। यहाँ पे डायनासोरियम भी था, बहुत बड़ा वाला डायनासोर, बहुत बड़ा वाला डायनासोर था, इतना भयानक था, बहुत बड़ा है। सो गाइस यहाँ पे लिखा हुआ है साइन बोर्ड पे भी डायनासोरियम, ये कोटा सोरोस यमन पलेंस डायनासोरियम, जाके हम के घूम के आ गए हैं। वहाँ पे कैमरा अलाउड नहीं था गाइस। सो ये डायनासोरियम म्यूजियम का पास कुछ तो ऐसे व्यू है। तो चलिए फ्रेंड्स अब ये यहाँ से हम एग्जिट लेंगे, फिर जाएंगे प्लानिटोरियम, वहाँ पे बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ें हम देखेंगे। तो गाइस वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो गाइस अभी हमने जा रही है बिरला प्लानिटोरियम। तो चलिए फ्रेंड्स चलते हैं, यहाँ पे एंट्री है। साइन बोर्ड हमको यहाँ पे दिखा, आगे भी दिख रही है निर्मला बिरला गैलरी ऑफ मॉडर्न आर्ट, और ये है प्लानिटोरियम। बैठो यहाँ पे, बैठ जाओ अभी, अंदर नहीं छोड़े। सुनो बेटा रुको, अंदर छोड़ रहे, रुको मामा। यहाँ पे रोमार लगा है प्लानिटोरियम की। तो यही जो बिल्डिंग दिख रही है ये है प्लानिटोरियम। सो गाइस हमारा प्लानिटोरियम के अंदर हम जाएंगे 2:30 के टाइम पे ही एंट्री करेंगे, क्योंकि यहाँ पे 20 मिनट्स का एक एक शो होता है। हमने 2:30 को टिकट बुक किए हैं। तो फ्रेंड्स अभी तो 2:20 हुआ और 10 मिनट के बाद हमने एंट्री लेंगे। गाइस फाइनली हमने प्लानिटोरियम के अंदर एंट्री लिए है, अब हम जाएंगे शो देखने के लिए। सो गाइस ये प्लानिटोरियम का एंट्री है, यहाँ पे बहुत सारे सीट्स हैं, इसका अंदर हम जाके अभी बैठेंगे। With the yearly cycle mapped out, settlements and agriculture could develop, and early civilizations thrived. At the same time, the first maps of the sky grouped the brightest stars into familiar constellations, helping to develop navigational skills, expanding trade, and aiding exploration. But the first astronomers had no real concept of the order behind the patterns of the sky. These early scientists and philosophers were still bound by a view of the cosmos that was tightly interwoven with mythology. The ancient Greeks, with their rigorous intellectual approach, took the first steps towards separating the young science of astronomy from the ancient sky myths. The greatest minds of the age, such as... So guys, finally, हमने exit ले रहे हैं planetarium से, ये है planetarium, और guys, जो भी planetarium आएंगे ना, उनका per ticket per person 150 rupees है, तो बहुत मजा आएगा, बहुत interesting है। सो गाइस इट्स टाइम फॉर लंच। सो पास में एक रेस्टोरेंट है, तो इसलिए हम आ गए यहाँ पे लंच करने के लिए, और ऑर्डर भी दिए है साउथ इंडियन थाली। तो चलिए फ्रेंड्स अभी लंच कर लेते हैं।
वाओ, साउथ इंडियन थाली में बहुत सारे वेराइटीज दिया है। यहाँ पे दिया है सांबार, रसम, कर्ड और दाल, मिठाई, पूड़ी, सब्जी, चटनी, पापड़। बहुत वेराइटी, हम जब भी साउथ में घूमने के लिए आते हैं तो साउथ इंडियन थाली कभी मिस नहीं करते। मेरा तो बहुत फेवरेट है साउथ इंडियन थाली। सो गाइस, अभी हमने जा रही है बिरला टेम्पल, लंच करके होटल से निकले, उसके बाद अभी आ रही है बिरला टेम्पल। ये जो रोड है ना, अप एंड डाउन है, तो चलना बहुत मुश्किल हो रही है। तो गाइस, बिरला टेम्पल का अंदर भी मोबाइल कैमरा अलाउड नहीं है, तो इसलिए मैं दूर से ही थोड़ा रिकॉर्ड करूँगी आज। बहुत भीड़ है, अभी क्रिसमस हॉलीडे चल रही है ना, क्रिसमस वैकेशन, इसलिए बहुत भीड़ है। ये रहा बिरला टेम्पल। गाइस, सामने में जो दिख रहे व्हाइट कलर टेम्पल, वो है बिरला टेम्पल। ये तो रहा कुछ एंट्री पॉइंट है, आगे ना बहुत बड़ा टेम्पल है और इतना ब्यूटीफुल टेम्पल देखोगे ना बहुत कूल लगेगा। लेकिन स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड है, वहां पे मोबाइल फोन कैमरा वगैरह कुछ भी अलाउड नहीं है। सब कुछ हमको लॉकर में यहाँ पे लॉक करके जाना पड़ेगा। गाइस, आज का ब्लॉग को हम यहीं पे एंड करते हैं, फिर मिलता है और एक नया ब्लॉग के साथ। वीडियो पसंद आएगी तो लाइक कर दीजिए, चैनल पे नहीं हो तो सब्सक्राइब कर दीजिए। टेक केयर गाइस, बाय बाय।